हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर 1 द फन दे हैड फ्रॉम बिहाई बुक। लेट अस बिगिन द नरेशन। ही वाज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ वाइट बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स। हु इज ही हियर? ही इज द काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर कैसा था? वह एक गोल मटोल छोटा व्यक्ति था जिसका चेहरा लाल था और वो अपने साथ पूरा अपना टूल्स का बॉक्स ले आया था जिसमें डायल्स और वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वह मार्गी के ऊपर मुस्कराया और उसे एक एप्पल दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, और फिर टीचर को अलग कर दिया, वायर्स को डिसकनेक्ट करके टीचर को अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी अब ऐसी उम्मीद करती थी कि उसे पता ना हो कि इसको फिर से कैसे जोड़ा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन उसे पता था कि सभी वायर्स को कैसे फिर से ठीक ठीक जोड़ा जाए। एंड आफ्टर एन आवर आर शो, और एक घंटे के बाद देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड। और एक घंटे के बाद फिर से वही बड़ी सी काली भद्दी बड़ी स्क्रीन तैयार हो गई जिस पे लेसन्स दिखाए जा रहे थे और क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। दैट वॉज नॉट सो बैड, वह इतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जिस पार्ट से मार्गी सबसे ज़्यादा हेट करती थी वो पार्ट एक जगह थी, एक स्लॉट था जहाँ पे मार्गी को अपने होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने पड़ते थे। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न वेन सी वॉज 6 years old। वो हमेशा अपने टेस्ट पेपर्स और होमवर्क को हमेशा पंच कोड में लिखती थी, जो मार्गी तब सीखी थी जब वह 6 years की थी। और फिर मैकेनिकल टीचर उस मार्क्स को बिना कोई टाइम लगाए कैलकुलेट कर लेता था। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर अपना कार्य अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद समाप्त करने के बाद वो मुस्कराया और फिर वो मार्गी का सिर सहलाया। ही सेड टू हर मदर, वह मार्गी की माँ से बोला, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेज जोन्स, ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, हु इज मिसेज जोन्स? मिसेज जोन्स इज मार्गीज मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक। काउंटी इंस्पेक्टर मार्गी की माँ को बताता है कि मैं सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी का सेक्टर था वो थोड़ा सा मार्गी के लेवल से ऊपर का कर हो गया था। गियर्ड मीन्स एडजस्टेड टू ए पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल। इट वॉज एडजस्टेड टू एबव लेवल ऑफ मार्गी। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, वैसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। तो काउंटी इंस्पेक्टर बताता है मार्गी की माँ को कि उसने इसे एवरेज 10 year लेवल के बच्चे पे सेट कर दिया है, मार्गी के लेवल पे सेट कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और मार्गी की ओवरऑल जो प्रोग्रेस का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री है, संतोषजनक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से वो मार्गी के हेड को सहलाता है,
पैटेड मीन्स सहलाता या थपथपाता है। मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्गी निराश थी। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश। Disappointed. Margie was disappointed. She had been hoping they would take the teacher away altogether. This time Margie was hoping that the county inspector will take the teacher away. वो teacher को दूर लेके चला जाएगा और फिर उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. Blanked out means erased. वे एक बार टॉमी के टीचर को लगभग एक महीने के लिए लेकर के दूर चले गए थे, हटा दिए थे, क्योंकि हिस्ट्री का जो पार्ट था वो कम्प्लीटली इरेज हो गया था, ब्लैंक हो गया था. सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए मार्गी टॉमी से बोली, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. मार्गी कहती है टॉमी से कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा. मार्गी सोचती है कि स्कूल के बारे में लिखने को क्या है. टॉमी लुक्ड एट हर, टॉमी उसकी तरफ देखा, विथ वेरी सुपीरियर आइज, अपने श्रेष्ठतम निगाह से, नज़रों से. बिकॉज इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. तो टॉमी जो है मार्गी को बताता है क्योंकि ये स्कूल जो है वो डिफरेंट स्कूल था और डिफरेंट स्कूल है, ये बिल्कुल हमारे स्कूल से अलग स्कूल है, स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. यह एक पुराने स्कूल के बारे में है जो कि सैकड़ों कई हंड्रेड years ago हुआ करता था. यह स्कूल जो है डिफरेंट स्कूल हुआ करता था. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. He added के लॉफ्टली, लॉफ्टली मीन्स इन ए सुपीरियर वे, वो बहुत श्रेष्ठतम तरीके से सेंचुरीज एगो वर्ड्स को बहुत सावधानी से प्रोनाउंस करते हुए कहता है. मार्गी वाज हर्ट, मार्गी दुखी हुई. वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. मार्गी कहती है मुझे पता नहीं है कि इतने समय पहले कैसा स्कूल हुआ करता था. सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल देन सेड. मार्गी टॉमी के कंधे के ऊपर से नज़र करते हुए थोड़े समय के लिए बुक को पढ़ती है, फिर वो बोली एनीवे दे हैड ए टीचर, उनको टीचर पढ़ाता था. श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वॉज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वॉज ए मैन. टॉमी मार्गी को बताता है श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ एक टीचर होता था, उनको पढ़ाने के लिए एक टीचर होता था, बट ये हमारे लोगों के जैसा टीचर नहीं होता था, वो एक व्यक्ति होता था. इट वॉज ए मैन, ये एक व्यक्ति होता था. एक्चुअली मार्गी के टाइम में क्या था कि जो टीचर पढ़ाता था वो रोबोटिक टीचर होता था, कोई व्यक्ति या कोई मैन नहीं होता था. ए मैन, तो मार्गी कहती है क्या एक व्यक्ति. हाउ कुड ए मैन
बी ए टीचर, एक व्यक्ति कैसे टीचर हो सकता था? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वह लड़के और लड़कियों को चीज़ें सिखाया करता था, उन्हें होमवर्क देता था और फिर उनसे क्वेश्चन भी पूछा करता था। ए मैन इज़ नॉट स्मार्ट एनफ, मार्गी सोचती हैं कि एक आदमी तो इतना स्मार्ट नहीं होता है, वो इतना वाइज या इतना इंटेलिजेंट तो नहीं होता है। तो टॉमी उसे बताता है, श्योर ही इज़, निश्चित रूप से वो होता है, इतना स्मार्ट होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच, वो लगभग उतना जानते हैं। आई बेच, बेच मीन्स बेट यू, आई एम श्योर, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी उस बारे में विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड आई वुड नॉट वॉन्ट ए स्ट्रैंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मार्गी बोली मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रैंज या अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने आए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी हंसते हुए चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है मार्गी। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, वो टीचर जो हैं वो स्टूडेंट के घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे वही सेम चीज़ सीखा करते थे। क्या सभी बच्चे एक साथ एक ही चीज़ सीखा करते थे? तो टॉमी क्लियर करता है, श्योर हाँ, इफ़ दे वर द सेम एज, हाँ यदि वे सभी बच्चे सेम एज के होते थे तो वो सारे बच्चे एक साथ में सेम थिंग लर्न किया करते थे। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू ट्राई टू कंप्लीट सम मोर क्वेश्चंस इफ़ यू कैन। हियर आर सम क्वेश्चंस यू कैन सी, आई हैव टोल्ड यू टू कंप्लीट